जी दो नाज ने सिर्फ उन्होंने नैगेटिव अनाज कहे हैं। नैगेटिव अनाज का मतलब यह है कि जेडे सानू बीमार कर रहे हैं जी, तो वो बीमार कर रहे जो दलीलों अलग अलग दित्तियां उन्होंने वो उस विच नहीं जाते आप पिछा थोड़ा जा फिर ज़्यादा, तो इस करके ये गुण ने इन पंजां राज्यां च कि शुगर हौली 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 साढ़े अंदर जाती है जिद कि शुगर का हड़ नहीं आता जिद असं बीमार नहीं होंगे जी। तो ये जो अनाज ने पंज ने ये बेस्ट अनाज ने, उस तो बाद जो दो नंबर देने आप गिण ले तो उदों भी बजुर्ग कहते होंगे भी जिन्हें अपनी गोगड़ बधाउणी है विलड़ ने वह खा लो कणक कली जी, नहीं तो फिर जरा मिक्स करके खाओ उन बेड़ा कहते होंगे जी। बेड़े की हूँ सी 60% कणक, इस करके जी कणक के अंदर चिपचिपाहट है ग्लूटन उन्होंने कहते हैं ग्लूटन का करके वह भी खराब करती है, जल्दी जल्दी शुगर रिलीज़ कर दी वह भी खराब करती है और बहुत लोगों को एलर्जी होने लगी है। हाँ जी अच्छा जी लोगों को बीमार होया एलर्जी टेस्ट करवाने तो एलर्जी आ रही है कि जिन्ना दुध जिन्ना उदाहरण देते जिन्ना पनीर विक रहा अच्छे ब्याह च पनीर का रवाज पै गया, जिन्ना पनीर विक रहा है तो जिन्ना घ्यो विक रहा है तो जिन्ना दुध है वह जमीन समान का फर्क है। बिल्कुल जी ना ना पनीर बन सकता ना तो ना घ्यो बन सकता, सेम पनीर का हाल है। असं बड़े चौड़े होकर खाने शाही पनीर कड़ाही पनीर वह खाते अं ऐ जिम्मे खा के पता नहीं कि सेहत बन जानी है, यह नहीं पता भी तुम जहर खा रहे हो। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं धर्मा हरियो, तुसी वेख रहे हो रंग पंजाब दे यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों इस वीडियो तुसी वध तों वध शेयर करना क्योंकि ये पहले कह देवां तुहानूं बहुत ही जरूरी जिहड़ी आपां अज गलबात करांगे जो साडे पुराने अनाज ने मूल अनाज ने जिहनूं मिल्ट आपां कहिंदे आ जिवें कंगणी कोदरा रागी सवांक ते इहनां बारे दे विच आपां गलबात करांगे ते साडे नाल होणगे डॉक्टर अमर सिंह जी आजाद। हाँ जी डॉक्टर साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी सारे दोस्तों। डॉक्टर साहब खैर तुहाडे वर्गे जिहड़े रिस्पैक्टड शख्सियतां ने उन्हां दी बदौलत जिहड़े साडा समाज आ साडे लोक ने उह मूल अनाजां वल आ रहे ने ते खाणा भी शुरू कीता जी, पर कुछ क इदां दीआं चीज़ां ने जिन्हां बारे नहीं पता जी कि इह सानूं किस तरीके नाल वरतना चाहीदा जी, कंगणी कदों जां रागी सवांक इहदा जिहड़ा खाण दा किस तरह दा तरीका होणा चाहीदा जी। बहुत जरूरी विशा है अज के समय च क्योंकि साड़ी जी बदकिस्मती यह है कि जो साढ़े दो मूल अनाज ने इस वेले हाँ जी जी अस खा रहे चौल चिट्टे चौल तो कणक हाँ जी ये दोनों बीमार कर रहे हैं। बिल्कुल जी ये गल एक अद्ध बारी नहीं एक अद्ध थां तो नहीं मतलब बहुत थावां तो बहुत खोजा च ये सामने आ गई और पिछले कई सालों तो आ रही है हाँ जी कि ये दोनों जोड़े मूल अनाज ने यह बीमार करने वाले अनाज ने। बिल्कुल जी डॉक्टर खादर वली जिन्ह ने कि बहुत लंबे समय तो अनाजा के उपर रिसर्च की है 25 साल तो जिन्हों असी मिलट मैन कहने हाँ जी पूरी दुनिया उन्हों मिलट मैन के तौर पर जानती है हाँ जी उन्होंने पूरे अनाजा तीन हिस्सों में वंडिया जी। एक उन्होंने कहा है पॉजिटिव अनाज यानी कि जेडे बीमार भी सही कर सकते हैं जी बीमारी भी दूर करने की समर्था रखते हैं जी उदे च पंज उन्होंने रखे हैं मिलट्स जी जिन्होंने अच्छी आम भाषा च मोटे अनाज भी कह दें हाँ जी मोटे अनाज पता नहीं क्यों क्या इनू जी है वैसे बरीक ने यह हाँ जी कणक नालों ज़्यादा बरीक ने उल्टा हाँ जी तो वो कहने मोटे अनाज ने हाँ जी क्योंकि मोटा शायद मैं लगता आटा इन्हों का मोटा बनता है जी तो रोटी जी उस हिसाब नाल नहीं बनती शायद मोटे इस करके कहता हो हाँ जी तो यह सारे अनाज नहीं तो आप मोटे तौर पर कहेंगे तो बाजरा परिवार है हाँ जी जां जे अपने इतिहास नाल जुड़ना होवे तो बाबे नानक का कोदरा परिवार है हाँ जी कोदरा परिवार सारा ये पंज मिलट्स ने जिसे कोदरा कोदरा शामिल है बाबे नानक वाला हाँ जी तो उस तो अलावा कंगनी तो हरी कंगनी शामिल ने हाँ जी कुटकी शामिल है तो सुहाग शामिल है हाँ जी सो जे पंज मिलट्स ने यह उन्होंने डॉक्टर खादर वली ने पॉजिटिव अनाजा च रखे हैं यानी कि जिन्हों का जिन्हें समर्था है शरीर को ठीक करन दी हाँ जी उस तो अगे उन्होंने कहा भी न्यूट्रल अनाज ने न्यूट्रल का मतलब यह है कि जो सेहतमंद बंदा खावे हाँ जी तो वह तो बीमार नहीं होगा जी लेकिन बीमार बंदा खावे तो सेहतमंद हो जाएगा उन्नी समर्था नहीं है हाँ जी वो अपने सारे अनाज आते हैं जो आप कणक के चौल में छड़ के बाकी तकरीबन सारे अनाज वे शामिल हो जाते हैं मक्की है बाजरा है तुहाडा ज्वार है रागी है प्रोजो मिलट है तुहाडी चुलाई का आटा है जी सो ये सारे जोड़े ने जौ ने ये सारे आटे जोड़े ने सारे न्यूट्रल अनाज ने न्यूट्रल का मतलब
ये बीमारा तो ठीक नहीं करने समर्था रखते पर जो सेहतमंद बंदे खाने तो फिर बीमार नहीं हम तो जी दो अनाज ने सिर्फ उन्होंने नैगेटिव अनाज कहे हैं नैगेटिव अनाज का मतलब यह है कि जेडे सू बीमार कर रहे हैं तो वह बीमार कर रहे जे दलील अलग अलग दतिया उन्होंने वो उस नहीं जाते अपना पिछा थोड़ा जहा फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा हाँ जी कि क्यों उन्होंने इन्हों नैगेटिव किया तो क्यों पॉजिटिव किया वो मोटी मोटी दो तीन गल्ला ही ने एक तो जो रेशा जिस अनाज ज़्यादा होंगे और अनाज जोड़ा वो ज़्यादा वधिया होंगे तो चौलों रेशा है ही नहीं हाँ जी 0.2% है कण च सिर्फ 1.2% है जी जदों के जो न्यूट्रल अनाज ने वो लगभग 3% 4% 4.5% तक भी है हाँ जी जो पॉजिटिव जे अनाज ने पंजे वो उन्होंने है वो 8.5% तो लैके 12% तक जी इन्ना फर्क है। दूजा अनाजा च गुण होना चाहिए कि जी वो स्टार्च है हाँ जी जे अनाज होंगे यदि सू कि चीज़ चाहिए है जिन्होंने अभी कहने स्टार्च जी यानी कि जितों सीधी शुगर बननी है हाँ जी तो शुगर सानू ऊर्जा लिए चाहिए है हाँ जी अं भोजन खाने तो भोजन खा के कम करना होंगे ना हाँ जी कम करने ऊर्जा चाहिए है जी तो असं जो सारे अनाज खाने वो इस करके खाने कि सानू उतों ग्लूकोज मिलती है हाँ जी वो ग्लूकोज तो असं फिर साड़ी ऊर्जा बनती है तो असं साढ़े पट्ठे कम करते हैं हाँ जी वो जो अनाज के अंदर स्टार्च है वो किस ढंग की है वो बहुत छेती छेती खून चा नहीं आती क्योंकि जेड़े अनाजा जी स्टार्च है वो छेती छेती खून जाएगी वो शुगर का हड़ लिया दी है साढ़े खून च तो वह नुकसान करती है वो पिछे फिर इंसुलिन का हड़ आता है शरीर न्यूट्रलाइज करने पचाने लिए इंसुलिन चाहिए है जो शुगर का हड़ आ गया तो इंसुलिन का हड़ आ गया ये दो चीज़ा ने जो बहुत व्डे भूत ने बीमार करने वाले हाई शुगर तो हाई इंसुलिन जी सो वो अनाज यहो जे होने चाहिए हैं जिद हूँ जे पांच मिलट ने जिद जिन कहने बेस्ट ने बीमारियां ठीक करने की समर्था रखते हैं वो जो दाना है वो अंदर एक स्पायरल बनया हुआ यानी कि स्प्रिंग टाइप जी वह स्प्रिंग का बनया फाइबर का जी सैलूलोज का जिन आप कहते हैं जो रेशा है हाँ जी तो वो स्टार्च लगी हुई है जी तो जिमें जिमें दाना हजम हों स्प्रिंग खुलता है हाँ जी तो वो थोड़ी 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 स्टार्च हजम हो जाती है जी तो कि सिट्टा की निकलता है कि साढ़े खून एकदम शुगर बदन की बजाय हौली हौली बढ़ती है तो इदा ही चाहिए सानू जी क्योंकि साढ़े शरीर के एक एट ए टाइम हर वेले एक चमचा शुगर चाहिए सिर्फ जी 5 लीटर खून के एक चमचा शुगर हो रीडिंग आँगी 100 मिलीग्राम जी 100 मिलीग्राम सू चाहिए है जी यदा मतलब साढ़े खून सिर्फ एक चमचा ग्लूकोज चाहिए है हाँ जी बाद की चाहिए कि जिनी क लगी जाए उन्नी क हो आई जाए हाँ जी ताकि शुगर बहुत ज़्यादा हाई ना जाए हाँ जी तो इस करके ये गुण ने इन पंजा राज्यों कि शुगर हौली 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 साढ़े अंदर जाती है जिद कि शुगर का हड़ नहीं आता जिद असं बीमार नहीं होंगे जी तो ये जो अनाज ने पंज ने ये बेस्ट अनाज ने उस तो बाद जो दो नंबर देने आप गिण ले उस तो बाद ने जो नहीं खाने चाहिए ज घट घटा सू आने वाले समय घटाने चाहिए हैं हाँ जी वो चौल तो कणक कणक हूँ क्योंकि सारा पुरातन अनाज है पंजाबियों का बिल्कुल बहुत से लोग सवाल करते हैं कि कणक तो अभी बहुत चिर तो खा रहे हैं हाँ जी तो वो मैं अज भी याद है बचपन च जो मैं पिंड मैं पिंड चो की है मैट्रिक तो उदो भी बजुर्ग कहते होंगे भी जिन्हें अपनी गोगड़ बधानी है विलड़ ने वह हाँ खा लो कणक कली जी नहीं तो फिर जो है मिक्स करके खाओ उन बेलड़ा कहते होंगे जी बेलड़े की हूँ सी 60% कणक होंगी सी 20% जौ तो 20% छोले जी इदा ही बीज देंगे इदा ही वढ़ लेंगे इदा ही खा लेंगे जी तो वो की हूँ सी फिर एक दूजे को बैलेंस कर जाते थे काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं और शायद वो कणक भी जी है वक्री किस्म की कणक से क्योंकि मैं याद है वो कणक जाती 5.5 फुट तक मतलब जे मधरा बंदा कणक खड़ जो दिखता नहीं सी अज कणक गोडे तो भी तह नहीं जाती हाँ जी तो यह जी कणक है हाइब्रिड कणक है हाइब्रिड कणक के जोड़ा बहुत बड़ा शक पै रहा है विज्ञानियों कि यदा जो प्रोटीन है बदल गया हाँ जी कि वह प्रोटीन रहा ही नहीं है वह जीन नहीं रहे ये हाँ शक्ल कणक की रह गई है हाँ जी लेकिन अंदरों जो अंदर जेनेटिक स्ट्रक्चर है हाँ जी वो जो बदल के प्रोटीन बदल के वह बिल्कुल वक्रा हो गया जिस करके बहुत लोगों को एलर्जी हो रही है और बहुत लोग जो बीमार हो रहे हैं और तीजा कणक जो उगण यह है कि लेस बहुत ज़्यादा है
लेस बहुत ज़्यादा होने करके वो जाके चिपकती अंतड़ियों तो कोई भी भोजन जो अंतड़ियों चिपकेगा तो बीमार करेगा जी। क्योंकि अंतड़ियों चिपकेगा तो उत्थे साढ़े दोस्तों के घर ने साढ़े अंदर सूक्ष्म जीव होंगे हैं बैक्टीरिया होंगे हैं बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे साढ़े साढ़े घट्टो घट भी 10 करोड़ बैक्टीरिया साढ़िया अंतों चले तो वो जो बैक्टीरिया के घर होंगे जो चिपकन लग जाती कणक उत्थे उन्होंने घर खराब हो जाते हैं और जी हौली हौली अंतों के जिते जो चिपक के उत्थे खड़ गया वो कणक खड़ गई तो उत्थे फिर गलती सड़ती है फिर गैसा बन दियां ने गंदियां गंदियां तो वह फिर सारा कुछ जो है बीमारी वालों लै जाए इस करके जी कणक के अंदर चिपचिपाहट है ग्लूटन उन्होंने कहते हैं ग्लूटन का करके वो भी खराब करती है जल्दी जल्दी शुगर रिलीज़ करती वो भी खराब करती है और बहुत लोगों को एलर्जी होने लगी है अच्छा जी लोगों को बीमार होया एलर्जी टेस्ट करवाने एलर्जी आ रही है तो चौल जड़े ने ये बड़ा व्डा ऑर्गन है कि चौलों के स्टार्च तो अलावा है ही कुछ नहीं फोकट ने पहला मोटा छिलका उतर गया फिर अंदरला छिलका उतर गया फिर थले पॉलिश कर देंगे तो वो बचता की है शुद्ध स्टार्च जी कि जान सार हजम होकर एकदम शुगर ये है दलील है जेडे पांच अनाज ने ये बेस्ट अनाज ने और असं कोशिश कर रहे हैं कि किसान भी उगा तो प्रोसैसिंग यूनिट भी लगन क्योंकि इन्हों शैलिंग करनी पैंती है और फिर आप खाण का भी पाइए तो खाण का तुम देखा होना कि पिछले 2-3 साल बहुत लोगों ने इनू अडोप्ट किया और लगभग लगभग सारिया बीमारियां जीडिया ने इधर ठीक होने लगिया ने बीमार भी जी जिमें डॉक्टर खादर जी ने कहा कि सारिया बीमारियां ठीक हो गई तो वह बिल्कुल उन्होंने जो सही है 100% कि इस अनाज के नाल असी तो कुछ होर भोजन बदल के कुछ लाइफ स्टाइल दल्ल बदल के असी लगभग उन्होंने सारिया बीमारियों का इलाज कामयाबी न कर रहे हैं जिन्हों बीमारियों मुख्यधारा मैडिकल प्रोफेसन ने ला इलाज घोषित करता हुआ कहते भी शुगर होगी सारी उम्र दवाई खाओ बीपी होगी सारी उम्र दवाई खाओ गठिया हो गया सारी उम्र दवाई खाओ संघरेणी होगी सारी उम्र दवाई खाओ दमा होगी सारी तो हर पुरानी बीमारी का उन्होंने कोई इलाज नहीं है वो हर बीमारी की लगातार उन्होंने मैनेजमेंट करते हैं तो उन्होंने कहते सारी उम्र दवाइया खाई जाओ भी एक आधी डॉक्टरी हुई फिर तो इस करके जी खुराक ना अभी डॉक्टरी कर रहे हैं क्योर कर रहे हैं तो एक बड़ा कमाल का है तो मैं समझना कि सानू सब नू रल मिल के तुहाडे मीडिया का बहुत सहयोग है तो मीडिया के सिर पर असं ये गल लोगों च लिजाण च कामयाब होए हैं कि जे आप ठीक ढंग खाना खा लीए तो कोई बीमारी अगर टिकती नहीं है बिल्कुल जी और सानू पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय च असी इसे डाइट के सिर पर कैंसर वर्गी नामराद बीमारी का भी कितना ना कि कोई ना कोई हल कढ़ांगे जो कि हल हूँ साढ़े को अजे भी हूँ भी दिने असी लेकिन हूँ असी बहुत कॉन्फिडेंस नाल नहीं कह सकते कि 100% मरीज जोड़े ने कैंसर के ठीक हो जाएंगे हाले तक सानू इन्ना कॉन्फिडेंस हो गया कि जिते बीमारी होंगी है उत्थे खड़ जाती है उदू बदती नहीं है जी जी। पर जे बधी हुई बीमारी है तो घटा ली है असं कुछ ना कुछ होर तजर्बा चाहिए कुछ होर गल्लां चाहीदियां ने मैं उम्मीद है कि भारत के हिंदुस्तान के इन्होंने राज्यों के सिर पर कैंसर वर्गी नामराद बीमारी का भी इलाज करने में कामयाब हो जाएंगे बिल्कुल जी। सो डॉक्टर साहब जो मैं असी पूछा सीगा जी इन खाण का किस तरह तरीका देखो इन ये आप चौल समझो जी कि चौल ने हाँ जी कुछ नहीं इन वक्खरा खाण का कोई तरीका नहीं है इन तुम चौल वांगू खा लो जी जिमें भी चौल बन सकते हैं प्लेन चौल बना लो दाल सब्जी ना खा लो इनू तुम दलिया बना लो वो दलिया भी बन जाता है इनू तुम रोटी आटा बना लो रोटी बना लो वह भी बन जाती है एदा पूड़ा भी बन जाता है ये कि चीज़ जी नहीं बनती हर वो चीज़ बन सकती है जी कणक के चौल की बनती है रोटी भी बन जाती है खिचड़ी भी बन जाती है पुलाव भी बन जाता है बिरयानी भी बन जाती है प्लेन चौल भी बन जाते हैं तो पूड़ा भी बन जाता है फिर ये पकौड़े बन बना लो जो मर्जी बना इडली बना लो डोसा बना लो सो सब सब तरीके खा सकते हैं बस एक ही फर्क है ये आम अनाज खाने कि भिओना पैंता कि रेशा है वो रेशा इन्ना सख्त हों ये नहीं भिओवे तो फिर हजम नहीं होंगे तो इनू असी रिकमेंड करते हैं कि घट्टो घट 6 घंटे तो पॉसीबल हो सके तो 8 घंटे इनू भिओ के उस तो बाद बनाओ बिना कुकर के बड़े सोहने 15 मिनट गल जाते हैं जिमें आम चौल गलते हैं पर 8 घंटे भिओन तो बाद जी बेस्ट खाना मानते हैं उन्होंने असं मानते हैं खमीर नूं असी खमीर कर लें जिमें दही जमदी है उदा ही पतला ज़्यादा पानी बना लीदा वो पतली लिट्टी जी बन जाती है फिर उन्होंने रख दईद 8 घंटे जिदा दही जमदी है इदा जम जाते हैं ये गुण सारे जड़े ने कई गुणा गुण बद बद जाते हैं
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅੰਬਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਬਲੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਮੀਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਖਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗ ਆਪਣੀ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਹਵਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਭੋਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਕਿ ਖਾਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਡਰਿੰਕਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਮੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਧੀ ਲੱਸੀ ਅੱਧਾ ਖਮੀਰ ਪਾ ਲਓ। ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਸੀ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਇਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਗਲਾਸ ਪੀਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲੱਸੀ ਪਾ ਲਓ ਅਤੇ 1 ਗਲਾਸ ਖਮੀਰ ਪਾ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੁੱਖ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਪਿਆਸ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਰੂਟਸ, ਜੇ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਬ ਪਾ ਲਓ, ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਮੀਰ 'ਚ। ਕੇਲਾ, ਕੇਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਪਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰੂਟ ਸ਼ੇਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਸੀ ਵਾਂਗੂ ਪੀਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾਓ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਓ, ਜੀਰਾ ਪਾਓ, ਅਜਵਾਇਣ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ 4 ਪੱਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲੱਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਟਾ, 5 ਕਿਲੋ ਖਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਮ ਅਨਾਜ ਨਾਲੋਂ ਇਹ 3ਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਬਸਾਂ। ਜੀ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜਾ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ, 5 × 5 = 20, 700 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਦਾ, 700 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਖਾ ਕੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਚੌਲ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਖਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੇਹਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਟ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਾਰਾ ਜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਢਿੱਡ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ 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 ਖੂਨ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ 4 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੰਗਣੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕੁਟਕੀ, ਸਵਾਗ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜੇ 2 ਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਆਇਰਨ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜੀ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ B12 ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੋਨ ਵੈਜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਮੀਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਟਸ ਦਾ, ਤਾਂ B12 ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਗੁਣ ਨੇ। ਜੀ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਦਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਹੋਂਗ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਟਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਜੀ। ਜੇ ਲਿਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਆਂਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕੰਗਣੀ ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ ਵਧੀਆ। ਜੀ। ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਗਣੀ ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਗੁਣ ਨੇ। ਜੀ। 2 ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 2-2 ਦਿਨ 5 ਖਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 2 ਦਿਨ ਕੋਦਰਾ ਖਾਇਆ, 2 ਦਿਨ ਕੁਟਕੀ ਖਾਈ, 2 ਦਿਨ ਕੰਗਣੀ, 2 ਦਿਨ ਹਰੀ ਕੰਗਣੀ, 2 ਦਿਨ ਸੁਆਂਕ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ। ਸੋ 2-2 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਵਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 3 ਦਿਨ ਸੁਆਂਕ ਖਾ, ਬਾਕੀ 1-1 ਦਿਨ। ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਫੈੜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 3 ਦਿਨ ਕੁਟਕੀ ਖਾ, ਬਾਕੀ 1-1 ਦਿਨ। ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 3
ਤੇ ਦੋ ਦਿਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾ ਗੁਣ ਨੇ ਲਿਵਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁਟਕੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਈ ਸਵਾਂਗ ਪੇਟ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਗਈ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਦਵਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਦੋ ਦੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੀੜਦੇ ਵੀ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪਲ ਫੂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਣਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕਣਕ ਨਾ ਖਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਂ ਪਾ ਲੈ ਕਣਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਰ ਪਾ ਲੈ ਕਣਕ 'ਚ ਮੱਕੀ ਪਾ ਲਓ ਕਣਕ 'ਚ ਬਾਜਰਾ ਪਾ ਲਓ ਕਣਕ 'ਚ ਰਾਗੀ ਪਾ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਪਾ ਲਓ ਉਹ ਪਾ ਲਓ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਪਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮੇਥੀ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਮੇਥੀ ਪਾ ਲਈ ਮੇਥੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਮੇਥੀ ਪਾ ਲਓ ਪਾਲਕ ਦਾ ਮੌਸਮ ਪਾਲਕ ਪਾ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਹਾਂਜਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸੁਹਾਂਜਣੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਲਓ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਲਓ ਧਨੀਆ ਪਾ ਲਓ ਤੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪਾ ਲਓ ਦੋ ਚਾਰ ਪੱਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਲਓ ਦੋ ਚਾਰ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਲਓ ਦੋ ਚਾਰ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਪੱਤੇ ਇਹ ਪੱਤੇ ਵੀ ਈਵਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੀਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੀਆ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰੋ ਉਹ ਆਟੇ 'ਚ ਗੁੰਨ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਖੜਾ ਹੈ ਕੱਚਾ ਪਪੀਤਾ ਤੋੜੋ ਕੱਚੇ ਪਪੀਤੇ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰੋ ਉਹ ਗੁੰਨ ਦਿਓ ਖੀਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਿਆ ਦੇਸੀ ਖੀਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰੋ ਆਟੇ 'ਚ ਗੁੰਨ ਦਿਓ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਗੁੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਣਕ ਖਾਣੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਖਾਵੇ ਪਿਓਰ ਕਣਕ ਖੁਸ਼ਕ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਵਿਕ ਰੋਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਇੱਦਾਂ ਖਾਓ ਇੱਦਾਂ ਬਦਲ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਔਗਣ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੱਕਿਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਦ ਖਾ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਸਲਾਦ ਖਾ ਲਓ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਖਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਲਾਦ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਐਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਚੌਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਆਟੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਆਟੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁਗਾੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਜੁਗਾੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੇ ਗਾਉਣ ਹਾਂ ਸੋ ਜੁਗਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜੁਗਾੜੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਦੁੱਧ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਨੀਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਪਨੀਰ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪਨੀਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਘਿਓ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਾ ਪਨੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਿਓ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਘਿਓ 'ਚ ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਟਰ ਆਇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਚਰਬੀ ਕਾਹਦਾ ਬਟਰ ਆਇਲ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋ ਬਟਰ ਆਇਲ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੇਮ ਪਨੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਕੜਾਹੀ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਹਤ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ
जे अमृत नहीं है तो जहर होएगा। खाना उही खाना चाहिए जो अमृत है। बिल्कुल अमृत खाना वह जो खेतों चो आ रहा। बिल्कुल तो खेतों चो खाना बनाने लग्या जिथे जे जो जहर का स्प्रे हो रहा तो वह हो रहा वो वर्तावा भी बंद करना चाहिए। हाँ जी क्योंकि खाना जो हों मनुख की सेहत वास्ते गला जरूरी नहीं। हाँ ये आने वाली पीढ़ियों की जड़ हों। बिल्कुल तो जोड़े बंदे ने बच्चा पैदा करना है जोड़ा वो खाना खा रहा है। हाँ वो प्रजनन अंगा च उस खाने का असर रहना। हाँ जी तो साड़ी आने वाली पीढ़ियाँ जी ने लगातार कमजोर हो रही ने। हाँ पिछे कितना कितना खाने का रोल है। हाँ इस करके सूँ बहुत संभल के खाना चाहिए। बिल्कुल कुदरती खाने खाइए। हाँ जी खेतों चो सीधा आया जो हो खाइए। खेतों उगाने वेले भी असी जहर का जो इस्तेमाल बंद करिए क्योंकि जहर जुड़िया ने खे चाहे वह मिट्टी पा दो चाहे वह पानी है जो थल सरला पानी वो भी जहरीला है। हाँ जी चाहे फैक्ट्रिया वाले पाए जाते हैं तो इस वे हालत इस वे इन्नी माड़ी हो गई है। हाँ जी कि हवा पानी मिट्टी तो जहर भर ही गए हैं। बिल्कुल साढ़े शरीर भी भर गए हैं। हाँ जी तो आने वाली पीढ़ियों का जो भविख है इस वे बहुत माड़ा दिख रहा है। बिल्कुल इस करके अज इस भोजन प्रति सू बहुत ही चेतन होने की लड़ है। हाँ जी किमें उगया जा रहा है किमें स्टोर किया जा रहा है कौन नूं पका रहा है वो इंडस्ट्री वाले जो डिब्बा बंद रंग बिरंगे डिब्बे च पे लगे शेल्फा च वे वे स्टोर वो सारे भोजन के नाते धोखा है। बिल्कुल असं पैसे भी खर्चते हैं तो एक धोखा खा के आ जाने तो असी भोजन के नाते जहर लेके आ जाने ये सोच के लिया कि असं तंदुरुस्त होवे उल्टा असं बीमार हो जाए। बिल्कुल तो इस करके इस वर्तारे तो बचना चाहिए। तो मैं समझना कि सूँ बहुत भोजन बारे चेतन होना चाहिए क्योंकि हवा तो बाद पानी तो बाद तीजा सब तो वड्डा साढ़े अंदर जाने वाली चीज़ भोजन है। हाँ जी सब तो ज़्यादा हवा जाती है उदू घट भोजन जाता है। हाँ जी हवा तो जाती है सैकड़े लीटर च। हाँ जी भोजन पानी जाता है तीन चार पाँच लीटर तो खाना जाता दो ढाई किलो। हाँ जी हर रोज़ खा तो जी चीज़ जे दो ढाई किलो चो अमृत ना हो तो सेहत नहीं बनाएगा तुम्हें बीमार करेगा समय तो पहला मारेगा और थोड़िया आने वाली पीढ़ियाँ जड़ा च तेल देगा। बिल्कुल इस करके सूँ बहुत बच के रहना चाहिए। बिल्कुल सो बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। सो दोस्तों ये सन डॉक्टर अमर सिंह जी आजाद जो कि लंबे समय तो लगे हुए हैं क्योंकि साडा पंजाब है जिहड़ा समाज की गल कर लिए साडी धरती की गल कर लिए साडे खाने हर चीज़ असी जहरा पा पा के जहरीली कर दी है तो उस कुदरत नाल खिलवाड़ करन दे विच किसी तरह की कोई कसर नहीं छड्डी पर फिर भी कुछ ना कुछ कुछ इंसान इदां दे हुंदे ने इस धरती के उत्ते जिहड़े कि सानू साडे समाज नूं तंदुरुस्त रखण दे लई वड्डे उपराले करदे ने। सो इस वीडियो में लाइक करना कमेंट करना शेयर करना क्योंकि बेसकीमती गल्लां ने जिहड़ियां साडे जिउंदे रहने वास्ते तंदुरुस्त रहने वास्ते बहुत जरूरी ने। अगली बारी आपां किसी होर विषय ते गलबात करांगे। वेखदे रहो रंग पंजाब दे यूट्यूब चैनल। सत श्री अकाल।